दोस्तों आज के इस वीडियो अंदर जो है ना पोको के बारे में यहाँ पर मैं कुछ बात करने वाला हूँ। मैंने नहीं सोचा था कि यहाँ पर हिमांशु टंडन के आने के बावजूद भी अगर ऐसा होगा पोको के अंदर। जिस बात का यहाँ पर डर था वो बात यहाँ पर दोबारा से होनी स्टार्ट हो चुकी है। पोको X4 Pro के जो है कुछ यूजर्स जो है यहाँ पर कैमरा डेड इशू यहाँ पर फेस कर रहे हैं। जी दोस्तों, यहाँ पर 2-3 यूजर्स के जो यहाँ पर कैमरे डेड होने यहाँ पर स्टार्ट हो चुके हैं। जो फ्रंट कैमरा जो है वो काम नहीं कर रहा है, ओपन ही नहीं हो रहा है। उसमें साफ साफ वार्निंग लिख किया जा रही है कि कैमरा एप्लीकेशन जो है वो कनेक्ट नहीं हो पा रहा है यहाँ पर, और साथ में जो है 1 सेकंड में एप्लीकेशन जो है वो बंद हो जाएगा। तो ऐसा कुछ इशू आ रहा है जो रेडमी नोट 10 प्रो, प्रो मैक्स, पोको X3 एंड X3 Pro वगैरह में भी यहाँ पर आए थे, और पोको X2 में भी आया था। सेम वही कहानी यहाँ पर पोको X4 Pro के साथ भी यहाँ पर स्टार्ट कर दी गई है। मैं आप लोग को थोड़ा बहुत याद दिला दूं तो ये पोको की जो एक्स सीरीज है ना बहुत बेकार एक्स सीरीज यहां पर हो चुकी है। मैक्सिमम से मैक्सिमम यूजर्स यहां पर परेशान हो चुके हैं। चाहे पोको X2 ले लो, मास लेवल पे यहां पर डेड हुआ ना, पोको X3 ले लो वो भी अलग ही लेवल पे यहां पर डेड हो रहा है, और पोको X3 Pro उसकी तो कहानी यहां पर अलग है। उसके जितना डेड तो मैंने कोई और डिवाइस देखा नहीं जितना पोको X3 Pro डेड हुआ है। और अब यहां पर पोको X4 Pro की भी बारी आ चुकी है। मैं आपको बता दूं यहाँ पर सब लोग जानते हैं कि पोको X4 Pro जो है वो यहाँ पर पोको X5 से बेटर है। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले यहाँ पर पोको X5 को लॉन्च किया गया है, शायद 16 मार्च को शायद लॉन्च हुआ था। पोको X5 को जो है वो यहाँ पर उससे बेटर पोको X4 Pro है, और सब लोगों ने यहाँ पर बात करना स्टार्ट कर दिया कि पोको X5 को कौन लेगा कौन लेगा, इतना अच्छा खासा थोड़ी ना पोको X5, उससे बेटर तो पोको X4 Pro है। एंड यहाँ पर जो इनके हिमांशु टंडन जो CEO है उन्होंने भी कह दिया कि हमने जो है पोको X4 Pro की जो है डिसकंटिन्यू कर दिए, इंडिया से मैन्युफैक्चरिंग वगैरह सब बंद हो चुकी है पोको X4 Pro की। जो कुछ यूनिट्स पड़े होंगे वो यहाँ पर फ्लिपकार्ट के ऊपर डाल रखे हैं, जिसको खरीदना होगा वो खरीदेगा, बट प्रोडक्शन यहाँ पर बंद हो चुका है पोको X4 Pro का। प्रोडक्शन तो यहाँ पर बंद कर दी गई, बट यहाँ पर साथ में जो है पोको X5 को बेचने के चक्कर में कहूँ या इनका किस्मत ही खराब है यहाँ पर, कुछ भी कह लो आप लोग, यहाँ पर पोको X4 Pro भी जो है वो डेड होना यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। इवन यहाँ पर जो है कल ही मैंने चेक किया तो पोको X4 Pro के यूजर जो है उन्होंने यहाँ पर ट्वीट वगैरह डाल रखा है, वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह सब यहाँ पर शेयर करके डाला हुआ है कि उसमें कैमरा जो है कनेक्ट नहीं हो पा रहा है और जो है डेड हो चुका है पूरा यहाँ पर कैमरा। फिर मैंने ट्विटर के ऊपर सर्च किया पोको X4 Pro कैमरा डेड, फिर यहाँ पर जो है मुझे 2-3 पोस्ट और मिले जिसमें लोगों ने कहा कि उनके भी स्मार्टफोन का कैमरा यहाँ पर डेड हुआ है। तो 2-3 दिन पहले से जो है ये कैमरा डेड होने यहां पर स्टार्ट हो गए जब से पोको X5 जो है यहां पर लॉन्च हुआ है। अब पोको X5 के बेचने के चक्कर में ऐसा किया गया या तो फिर इन लोगों की यहां पर किस्मत ही खराब है। मैं एक सजेशन देना चाहूंगा, इस एक्स सीरीज को बंद ही कर दिया जाए तो ज्यादा यहां पर बेटर रहेगा, क्योंकि कोई भी एक्स सीरीज का स्मार्टफोन उठा के देख लो हर स्मार्टफोन 1 साल बाद जो है वो यहां पर डेड हो जा रहा है। अब ये डेड हो क्यों रहा है, और एक चीज आप लोग उठा के देख लीजिए हिस्ट्री, यहां पर मैं आपको बताता हूं। पोको X2 में स्नैपड्रैगन प्रोसेसर है, X3 के अंदर स्नैपड्रैगन प्रोसेसर है, X3 Pro में स्नैपड्रैगन प्रोसेसर है, एंड X4 Pro के अंदर भी स्नैपड्रैगन है, एंड X5 के अंदर भी स्नैपड्रैगन है, X5 Pro 5G के अंदर भी स्नैपड्रैगन है, और जितने भी इश्यूज आए हैं सब स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर में यहाँ पर आए हैं। जैसे कि सैमसंग के भी कुछ स्मार्टफोन उनके एक्जिनोज वाले प्रोसेसर में प्रॉब्लम आए थे, जैसे M21, M31 और यहाँ पर A51, ऐसे कुछ स्मार्टफोन थे ना जिनके अंदर एक्जिनो बट एक्जिनोज के प्रोसेसर में भी यहाँ पर प्रॉब्लम आ रहे थे, सैमसंग के भी डिवाइसेज डेड हो रहे थे, जैसे M21, M31, A51 ऐसे कुछ डिवाइसेज थे। सेम उसी तरह जो है स्नैपड्रैगन के साथ यहाँ पर जितने भी पोको के एक्स सीरीज के जो डिवाइसेज थे वो सारे अभी तक डेड हुए हैं। हालांकि जो अभी लॉन्च हुआ है पोको X5 एंड X5 Pro ये तो इतनी जल्दी डेड नहीं होंगे, बट आगे चल के क्या पता इनकी भी कहानी यहां पर हो जाएगी। किसने सोचा था कि पोको X4 Pro भी यहां पर डेड होना स्टार्ट हो जाएगा। X5 को लॉन्च होने के बाद जो है पोको X4 Pro भी डेड होना यहां पर स्टार्ट हो गया, और इन सभी फोन्स में स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर है। रेडमी नोट 10 प्रो प्रो मैक्स में भी स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर है, या तो यहां पर गलती शाओमी की ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर है, नहीं तो और तो कुछ यहाँ पर दिखता नहीं है। अगर यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि यहाँ पर पोको में चिप कंपोनेंट यूज होता है, तो देखो मे भी हो भी सकता है, क्योंकि पोको के स्मार्टफोन्स रेडमी के मुकाबले बहुत ज़्यादा यहाँ पर सस्ते होते हैं। हालांकि उन्हीं के फ़ोन को ये लोग रीब्रांड करते हैं, बट ये जब सेल वगैरह आती है ना इतना मजबूर कर देंगे आप लोगों को पोको वाले कि आप लोग हमारा ही स्मार्टफोन लो, इतना भयंकर प्राइस ड्रॉप यहाँ पर देखने को मिलता है। पोको X4 Pro 14,000 तक में बिका है यहाँ पर BBD सेल में, और अभी 1-2 महीने पहले भी 14,000 में बिक रहा था यहाँ पर। तो सोच के देखो कि एक स्मार्टफोन 18,000 में लॉन्च हुआ और उसको ये लोग यहाँ पर उसको 14,000 में बेच रहे हैं, इतना भयंकर डिस्काउंट बहुत ज्यादा यहां पर चल रहा है। एक तो इनके स्मार्टफोन बहुत ज्यादा सस्ते हैं, और साल भर बाद ही जो है लॉन्च होने के साल बाद ही जो है यहां पर अपना ये दम भी तोड़ना स्टार्ट कर देते हैं, या तो इनके चिपसेट के अंदर यहां पर सही तरीके से ऑप्टिमाइजेशन नहीं हो रही। क्योंकि यहां पर क्या है कि अभी इसका कोई भी कंफर्म वो जो है एक कहते हैं ना कि ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है यहां पर, क्योंकि
क्योंकि आप देख लीजिए, X2 हुआ, X3 हुआ, X3 Pro हुआ, Redmi Note 10 Pro, Pro Max हुआ, X4 Pro भी यहाँ पर होना स्टार्ट हो गया। बट कंपनी ने कभी ये नहीं बताया कि ऐसा इशू आ क्यों रहा है। कई लोग कहते हैं कि अपडेट के बाद हो रहा है, कई लोग कहते हैं कि ऐसे ही हो जा रहा है। बट देखो, अपडेट भी इसका एक रीजन हो सकता है कि अपडेट के बाद भी यहाँ पर कंपनी डेड करना स्टार्ट करती है ताकि अपने नए जो है फोन से बिकवा सके यहाँ पर। बट कंपनी ये नहीं सोचती कि अगर एक बार डेड हो गया ना तो बदनामी तुम्हारी ही होगी। और पोको का काम बस वही चल रहा है यहाँ पर। सबसे ज्यादा फेलियर रेट जो है यहाँ पर वो पोको का है। ट्रस्ट करना बहुत मुश्किल है। मैंने एक वीडियो भी कुछ टाइम पहले बनाई थी कि पोको में 6 प्रॉब्लम है जिसके कारण आपको पोको का स्मार्टफोन नहीं लेना चाहिए। आप वो वीडियो भी देख लीजिएगा, कोशिश करूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देने का उस वीडियो का। तो यहां पर मैं आप लोग एक चीज कन्फर्म करूं ना, तो प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा यहाँ पर आपको पोको में देखने को मिलती है। इतनी रेडमी में नहीं है, इतनी शाओमी में नहीं है, जितनी पोको में यहाँ पर प्रॉब्लम्स आ रही है। और इसी कारण यहाँ पर पोको भी बदनाम हो रहा है। गलती इनकी खुद की है या इनकी किस्मत की है कि ऐसा हो क्यों रहा है? मैंने कभी नहीं सोचा था कि X4 Pro यहाँ पर डेड होगा, बट पोको X4 Pro भी डेड होने स्टार्ट हो चुके हैं। 3 यूजर का अभी तक केस आ चुके हैं और ऐसे केस धीरे धीरे ही बढ़ते हैं। और आने वाले टाइम में या 6 महीने बाद, 2 महीने बाद, ना जाने कैसी सिचुएशन रहेगी, कोई यहां पर नहीं जानता है। और अभी कोई भी जो है यहां पर टेक क्रिएटर जो है इसके ऊपर बात नहीं कर रहा। मैंने ट्विटर के ऊपर भी बड़े बड़े टेक क्रिएटर को जो है टैग वगैरह किया, जिन लोगों ने यहां पर जो है इश्यूज को मेरे साथ भी शेयर किया था, और उन्होंने खुद ने भी ट्वीट वगैरह यहां पर कर रखा था। फिर मैंने बड़े क्रिएटर्स को भी टैग किया, बट कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है। क्योंकि बड़े क्रिएटर्स वेट कर रहे हैं यहां पर, जब तक मास लेवल पे हमें नहीं मिलेगा ना तब तक कुछ नहीं होगा। कम से कम बड़े क्रिएटर्स को ये सोच लेना चाहिए कि यहां पर हम सजेस्ट क्या कर रहे हैं, लोगों का पैसा क्यों बर्बाद कर रहे हैं पोको के स्मार्टफोन को यहां पर दिला के, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स होने के बावजूद भी। चलो आप दिला भी रहे हो बट प्रॉब्लम आ जा रहा है, तो कम से कम एक ट्वीट तो कर दो। आपके पास बड़ी ऑडियंस है, कंपनी भी आपसे डरेगी यहां पर कि हाँ कोई तो है इतना बड़ा टेक क्रिएटर जो बोल रहा है। बट ये लोग एक टाइम का वेट करते हैं कि जब तक 100 लोग, 500 लोग नहीं आएंगे ना तब तक हम नहीं करेंगे। अरे कम से कम देखो, बूंद बूंद से यहाँ पर सागर भरता है ना। अभी धीरे धीरे यहाँ पर डेड होने स्टार्ट हो चुके हैं पोको X4 Pro। अब बाद में जाकर जब 100, 200, 500, 1000 लोगों के जब डेड होने स्टार्ट होंगे तब ये लोग जाके ट्वीट करेंगे। अभी से कर दो ताकि लोग जो है थोड़े बहुत यहाँ पर सावधान हो जाए। हालांकि इस वीडियो का मकसद यही है कि अगर जितने भी पोको के डिवाइसेज है, कि अगर जितने भी पोको के डिवाइसेज के यूजर्स हैं यहाँ पर, खासकर एक्स सीरीज के, थोड़े बहुत यहाँ पर आप लोग जो है सोच समझ के यूज करिए अपने स्मार्टफोन को। अब कब आपका स्मार्टफोन दम तोड़ दे, कोई गारंटी, कोई यूट्यूबर, कोई यहाँ पर नहीं दे सकता इस चीज की गारंटी कब क्या हो जाए यहाँ पर पोको के एक्स सीरीज के साथ। इवन X5 एंड X5 Pro को भी आप लोग एक बार स्किप कर दीजिए, क्योंकि इनकी एक्स सीरीज की एक भी ऐसा स्मार्टफोन नहीं है जो डेड ना हुआ हो। एफ सीरीज में बिल्कुल सेफ रहा। इनकी सबसे बेस्ट सीरीज मुझे लगती है पोको की एम सीरीज, बहुत शानदार एम सीरीज रहती है। उसके अंदर जो है एक वैल्यू फॉर मनी भी आपको देखने को मिलता है, सारी चीजें ठीक देखने को मिल जाती है पोको के एम सीरीज के अंदर। बट एक्स सीरीज की सिचुएशन बहुत ज्यादा यहाँ पर खराब है। जब से एक्स सीरीज लॉन्च हुई है ना, तब से यहाँ पर जितने भी एक्स सीरीज में फोन आए हैं सारे डेड होते गए, और सभी स्मार्टफोन में यहाँ पर स्नैपड्रैगन का भी प्रोसेसर लगा हुआ था। और बड़ी बात तो यह कि एक भी मीडिया टेक के ऊपर इन्होंने एक्स सीरीज में स्मार्टफोन लॉन्च नहीं किया। काश अगली बार ये लोग पोको X6 Pro लेके आए, चाहे X6 लेके आए ना, वो यहाँ पर काम करना पोको वालों। अगर वीडियो तक पहुँच भी जाए तुम लोगों तक, तो पोको X6 या X6 Pro जो है यहाँ पर मीडिया टेक के ऊपर एक बार लॉन्च करके देख लो, क्या पता थोड़ी बहुत किस्मत यहाँ पर बदल जाए। क्योंकि तुमने जितनी भी स्नैपड्रैगन वाली लाइनअप के अंदर यहाँ पर एक्स सीरीज को लॉन्च किया है ना, सभी फोन्स यहाँ पर जो है वो डेड हुए हैं। अब अभी नया फोन लॉन्च हुआ है X5 एंड X5 Pro, कैसे मैं उसको यहाँ पर अब सजेस्ट करूँ ये हालात देख के? पोको X5 Pro को भी डेड करा दें, क्योंकि पोको X5 Pro भी एक अच्छा स्मार्टफोन है, बट फ्यूचर में ये लोग पता नहीं क्या करा देते हैं यहाँ पर। जिन बंदों का X4 Pro अभी डेड होना स्टार्ट हुआ है ना, उनके स्मार्टफोन में यहाँ पर MIUI 13.0.4.0 अपडेट चल रहा था, जो कि जनवरी में रिलीज हुआ था, और डेड होना अभी यहाँ पर स्टार्ट हुआ है। इवन एक यूजर ने 3 महीने पहले फोन लिया है और अब जाके उसका स्मार्टफोन यहाँ पर डेड हो गया। नया फोन बताओ, 3 महीने पुराना फोन अपडेट किया जनवरी में, डेड हुआ है मार्च में जाके, इतना लेट जाके असर कर रहा है ये। तो कब जाके कब दम तोड़ दे यहाँ पर पोको का स्मार्टफोन, कोई गारंटी यहाँ पर नहीं दे सकता है। सिंपली बस इस वीडियो का मकसद ये था कि थोड़े बहुत आप लोग सावधान हो जाइए अगर आप एक पोको स्मार्टफोन डिवाइस के यूजर हैं तो, क्योंकि खासकर एक्स सीरीज वाले, ठीक है एम सीरीज वाले रिलैक्स कर सकते हैं, एफ सीरीज वाले कर सकते हैं, बट एक्स सीरीज वाले जो है ना वो थोड़े यहाँ पर सावधान रहिए, क्योंकि इनकी नैया जो है ना एक्स सीरीज के साथ वो यहाँ पर डूबती जा रही है। बस यही इस वीडियो के माध्यम से आपसे बताना था। एक्स सीरीज के यूजर हो तो थोड़े सावधान रहो, सही से यूज करो, पता नहीं कब यहाँ पर क्या हो जाए।
अभी तो शुरुआत हुई है, शुरुआत X2 के साथ भी धीरे धीरे ही हुई थी, फिर बड़े लेवल पर गया था X3 एंड X3 प्रो के साथ भी धीरे धीरे ही था, फिर बाद में वो तेज हो गया। ऐसे ही X4 प्रो के साथ भी अभी यहाँ पर हो सकता है, होने को कुछ भी यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, तो बस इतना था इस वीडियो में, बाकी सुधर जाओ पोको वालों, क्योंकि एक एक कमाई तुम लोग क्या जानो यार। यहाँ पर एक बंदा पैसे इकट्ठे करके यहाँ पर जो स्मार्टफोन खरीद रहा है, ऊपर से डेड भी हो जा रहा है, कितना बुरा यहाँ पर लगता है। ऊपर से इन पोको वालों की वजह से शाओमी की ब्रांडिंग और जा रही है यहाँ पर। चलो शाओमी की ब्रांडिंग जा रही है, इवन यहाँ पर मी 11 अल्ट्रा जो डिवाइस है, इसके भी मैंने ट्विटर के ऊपर सर्च किए, 5, 6 या 7 मुझे पोस्ट मिले यहाँ पर ट्विटर के ऊपर जिसमें मी 11 अल्ट्रा भी डेड हुआ पड़ा है, 70,000 रुपये का स्मार्टफोन डेड हो चुका है। वाह, यानी कहा जाए ना तो अब शाओमी पे, रेडमी पे, पोको पे ट्रस्ट करना बहुत मुश्किल हो चुका है यूजर का। और ये लोग फ्लैगशिप में जाना चाहते हैं, और इनका फ्लैगशिप ही सेफ नहीं है यहाँ पर। मी 11 अल्ट्रा के 6-7 केस मैंने ट्विटर के ऊपर भी चेक किए, और वहां पर डेड हुए पड़े हैं यूजर्स के, मी 11 अल्ट्रा 70,000 का स्मार्टफोन, कैसे ट्रस्ट किया जाए इनके ऊपर। बाकी आप लोगों का क्या कहना है इसके बारे में कमेंट बॉक्स में आप लोग बता सकते हो। वीडियो को लाइक शेयर करके जाइएगा। जय हिंद।